हेलो फ्रेंड्स, हेतल्स किचन्स में आपका स्वागत है। मौसम बारिश की है और हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं स्वीट कॉर्न चाट। तो हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न चाट। पहले एक पैन में पानी उबलने रखे। पानी उबल रहा है, इसमें थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। हम इसके अंदर 1 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून शुगर पाउडर डालेंगे और इसके अंदर मैंने 1 बाउल स्वीट कॉर्न फ्रोजन लिए हैं। हल्दी डालने का रीजन ये है कि हल्दी से ये जो स्वीट कॉर्न अपने फ्रोजन होते हैं तो उसका कलर जो होता है वो येलो हो जाता है, और शुगर इसलिए डालते हैं क्योंकि जो स्वीट कॉर्न फ्रोजन होते हैं ना तो थोड़े वो फीके हो जाते हैं, तो ये जब उबलते हैं तो उसकी नेचुरल जो स्वीटनेस है ना वो शुगर की वजह से वापस आ जाती है, इसलिए शुगर डालते हैं। और कलर के लिए नेचुरल कलर हम फूड कलर यूज नहीं करते हैं, अपनी हल्दी डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे स्वीट कॉर्न उबल रहे हैं, इसके दाने जो है ये थोड़ी सी देर है, 5 मिनट इसको उबालने देना है। अब हम इसको ड्रेन करेंगे। हम इसको कुकिंग प्रोसेस कट करने के लिए ठंडा पानी डालेंगे ताकि उसकी जो गर्म तो था तो वो उसकी कुकिंग प्रोसेस आगे नहीं हो। इसमें डालेंगे रॉक सॉल्ट, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा है, चाट मसाला, मैगी मसाला, थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, जूस। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें चीज डालेंगे, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हो। अब ये रेडी है हमारा टेम्प्टिंग यमी किड्स स्पेशल्स मॉनसून स्पेशल्स स्वीट कॉर्न चटपटी चाट। ये थोड़ी सी धनिया सा, हल्का सा अनियन स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा चीज। और ये रेडी है हमारा चटपटा कॉर्न चाट। चटपटी स्वीट कॉर्न चाट पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले हेतल्स किचन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेतल्स किचन।